विजय राघवगढ़ महोत्सव 15 मई से लेकर 15 जून तक चलेगा। महोत्सव में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही संतों का भी आगमन होगा। महोत्सव में शंकराचार्य, निश्चलानंद सरस्वती और अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी सहित अनेक संत शामिल होंगे। विजय राघवगढ़ में 15 मई से 15 जून तक आयोजित होने वाले महोत्सव का आगाज हुआ। युवराज स्वामी बद्री प्रपन्नाचार्य की उपस्थिति में विद्वान आचार्यों द्वारा वैदिक मंत्रों के बीच भूमि पूजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत भूमि पूजन और ध्वजारोहण के साथ हुई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। महानदी के तट पर स्थित राजा पहाड़ पर 108 फीट ऊंची भगवान परशुराम की प्रतिमा विधायक संजय सत्यन पाठक द्वारा स्थापित कराई जाएगी। इसी के साथ ही स्टेडियम के सामने विशाल मैदान में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। ये महोत्सव एक माह चलेगा। खास बात यह है कि इस आयोजन में महान संतों का सानिध्य सभी को प्राप्त होगा। इसके अलावा यहाँ मनोरंजक कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रम में शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती, साध्वी ऋतुम्बरा, अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी जी महाराज सहित अनेक संत शामिल होंगे। विधायक पाठक ने कहा कि ये वृद्ध कार्यक्रम सभी के सहयोग से सफल होगा। उन्होंने सबसे ये भी अपील की कि भगवान परशुराम की प्रतिमा निर्माण के लिए घर घर से धातुओं का संग्रह किया जाएगा, जिससे सभी अपना सहयोग प्रदान करें। मूर्ति स्थापित होने में 18 माह का समय लगेगा। पाठक ने बताया कि स्वामी रामभद्राचार्य द्वारा प्रतिमा की स्थापना के लिए भूमि पूजन किया जाएगा। विजय राघवगढ़ महोत्सव के लिए भूमि पूजन के साथ ही तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। एक माह तक चलने वाले कार्यक्रम में दूसरे राज्यों से मंत्री विधायक भी सहभागी बनेंगे। यह आयोजन राष्ट्रीय स्तर का होगा। कार्यक्रम में विधायक संजय पाठक, मुड़वारा विधायक संदीप जायसवाल, बोरीबंद विधायक प्रणय पांडे सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, अधिकारी, कर्मचारियों और सामान्य नागरिकों ने भाग लिया। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रति माह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।